अब ये गया, ये इसने हाथ डाले, पकड़ भाई, अब इसने एंकल पकड़, पकड़ पकड़ पूरा पकड़, एंकल पे इसने ग्रिप किया, सबसे पहले किसने पकड़ा, आगे ध्यान नहीं देना कि कौन आ रहा है, कौन जिसकी तरफ ध्यान हो जाए इसे, और वो फिर छोड़ेगा नहीं, इसने पकड़ा है तो तुरंत यहाँ से झटका देना स्टार्ट कर दो, झरक मारना, झटका देना, ठीक है, और इस पैर का साथ साथ मूवमेंट कराना है, इसको जाम नहीं करना है, कैसे, ये लगातार झटका देना है, इस पैर का मूवमेंट कराना है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर आपका ये आगे की तरफ रखना है, आगे ऐसे झटका देते रहना, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये एंकल पकड़े इसने, ठीक है, यहाँ से एंकल कहाँ डल रहा है, घुमान घुमाना है इसको, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, झटका लगातार देना है और पैर को ट्विस्ट करते रहना है ताकि जो उसकी ग्रिप है वो इधर उधर हो, ग्रिप लूज हो, ग्रिप लूज होगी तभी आपका एंकल निकलेगा, कैसे, फिर देखो एंकल पकड़, पकड़ भाई कैमरा में नजदीक लिया, नजदीक लिया, अभी कहाँ से ग्रिप हुई, एक हाथ जो कॉर्नर का यहाँ पे आता है ना बैक पे, एक हाथ यहाँ आता है, तो जो आपका पैर है ना ये, इस पैर को आपने ऐसे डालना मोनस पर ताकि जो आपके पीछे एडी है ये हाथ पहले यहाँ से स्लिप हुए से, ठीक है, उसके बाद ये टर्न करना है पैर को ये, और साथ साथ ये छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप पैर से टर्न कर रहे हो ना, आप देखोगे इसे कलाई कैसी होगी, ये कलाई मुड़ रही है, तो उसका फायदा उठाना ग्रिप का, उस माइक्रो सेकेंड के अंदर पैर को ट्विस्ट भी करना है और तुरंत झरक भी देना, थोड़ी मतलब पकड़ को पकड़, ये झरक भी देना ये, ठीक है, और चलते चलते कौर का खिलाड़ी आ रहा है, मालिक का एंकल पकड़ा, पकड़ आ जा भाई, लास्ट मोमेंट पे आपका एंकल छूट गया तो हाथ आपको रेडी रखने स्केप करने के लिए, भाई मेरा एंकल छूट गया तुरंत मैं हाथ से रोक दूं या जमीन में लेट जाऊं, सेंटर लाइन टच करने की कोशिश करूं।